हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने मोबाइल से माइग्रेशन सर्टिफिकेट को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कानपुर यूनिवर्सिटी के माइग्रेशन सर्टिफिकेट को आप अपने मोबाइल से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे आप बीए किए हों, बीएससी किए हों, बीकॉम किए हों, कोई भी कोर्स किए हों, आप उसके माइग्रेशन सर्टिफिकेट को आप अपने मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि आप कानपुर यूनिवर्सिटी के माइग्रेशन सर्टिफिकेट को मोबाइल से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, सिंपल सा आपको काम करना है। आप को अपने मोबाइल में सबसे पहले जो है कि कोई एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमने जो है कि क्रोम ब्राउज़र को ओपन किया है, तो यहाँ से आपको गूगल में आ जाना है और गूगल में आने के बाद आपको सर्च करना है कानपुर यूनिवर्सिटी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आपको कानपुर यूनिवर्सिटी सर्च करना है। जो फ्रेंड्स, आप यहाँ से कानपुर यूनिवर्सिटी सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह से यह ओपन हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर जो सबसे पहले नंबर पर आपको वेबसाइट दिखेगी कि छत्रपति साहू जी महाराज www.kanpuryunivarsity.org, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जी हाँ दोस्तों, जब आप उस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो कुछ ओपन हो जाएगी और उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो यहाँ से देखिए, आपको क्या करना है कि यहाँ बीच में आपको ऑप्शन दिखेगा कि ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर माइग्रेशन सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा कि ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जब फ्रेंड्स उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा और उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है कि आपको तीन ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। पहला ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा कि सबमिशन थ्रू ई चालान आप एक्सिस बैंक, दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा कि सबमिशन थ्रू इंटरनेट बैंकिंग आप एक्सिस बैंक, और तीसरा ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा कि सबमिशन थ्रू डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। जी तो फ्रेंड देखिए, यह जो तीनों ऑप्शन है, जब हम माइग्रेशन सर्टिफिकेट को डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर जो है कि आपके कुछ पैसे लगेंगे, 200 रुपये, 250 रुपये आपको देना पड़ेगा। उसके बाद ही जो है कि आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यह तीन ऑप्शन आपको दिया गया है पेमेंट करने के लिए। आप जो है कि एक्सिस बैंक के ई चालान से पेमेंट कर सकते हैं, या जो है कि एक्सिस बैंक के इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, या जो है कि आप यहाँ से डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड से जो है कि पेमेंट कर सकते हैं। तो इन तीनों ऑप्शन की बात करें तो सबसे जो आसान ऑप्शन है वह सबमिशन थ्रू डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड है, क्योंकि लगभग सभी के पास डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड होता ही है। तो यहां से जो है कि आपको क्या करना है कि अगर डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट करना चाह रहे हैं तो आपको इसी ऑप्शन में आ जाना है। उससे पहले फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जब भी आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करने जाएँ तो उससे पहले यहाँ पर देखिए, सबसे ऊपर दिया गया है, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है कि इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, तो उसको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद ही जो है कि आप पेमेंट वगैरह करिएगा, आप उसके बाद ही आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट को डाउनलोड करिएगा। तो उसके बाद यहाँ से क्या करिए कि अगर आप डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाह रहे हैं तो उस ऑप्शन में आप आ जाइए, और उसके बाद यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिखेगा कि ऑनलाइन सबमिशन आप रेगुलर एंड प्राइवेट कोर्स माइग्रेशन सर्टिफिकेट अब एप्लीकेशन थ्रू डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जब फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से यह ओपन हो जाएगा और उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से देखिए, आपको कोर्स का टाइप सेलेक्ट कर लेना है कि आप रेगुलर कर रहे थे कि प्राइवेट कर रहे थे। तो यहाँ से चलिए हम रेगुलर सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम रेगुलर जो है कि कोर्स कर रहे थे। और यहाँ से फिर उसके बाद आपको कोर्स सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सा कोर्स आप कर रहे थे। तो यहाँ से चलिए हम बीएससी सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम जो है कि बीएससी कर रहे थे, बीएससी थर्ड ईयर का हमको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। तो यहाँ से बीएससी थर्ड ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से देखिए, जो सबमिट का ऑप्शन यहाँ आपको दिख रहा है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जब फ्रेंड्स आप यहाँ से सबमिट के ऑप्शन पर
क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से यह ओपन हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर कुछ और डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है कि बीएससी थर्ड ईयर आपने किस साल पास किया। तो चलिए हम 2018 यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से आपको अपना रोल नंबर भर देना है कि बीएससी थर्ड ईयर का रोल नंबर क्या है। फिर उसके बाद बीएससी सेकेंड ईयर आपको सेलेक्ट करना है कि किस साल आपने पास किया और उसका रोल नंबर क्या है। फिर उसके बाद आपको बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेक्ट करना है कि बीएससी फर्स्ट ईयर आपने किस साल पास किया और उसका रोल नंबर क्या है। तो फ्रेंड्स, इतना सब कुछ फिल करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए नीचे साइड में आपको सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, तो इसी सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जब फ्रेंड्स आप सब कुछ फिल करके सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ और डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी, वो सभी डिटेल्स आपको फिल कर देनी है। उसके बाद आपसे जो है कि लास्ट पेमेंट के लिए पूछा जाएगा, तो यहाँ से आप जो है कि पेमेंट कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स जैसे ही आप यहाँ से पेमेंट कर देंगे तो आपको जो है कि दो नंबर प्राप्त होंगे, एक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा और एक ट्रांजैक्शन नंबर प्राप्त होगा। तो यह दोनों नंबर आपको ध्यान से नोट कर लेना है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से बैक आ जाना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से जो है कि आपको बैक आ जाना है। तो फ्रेंड्स आप वहाँ से बैक आएंगे तो आपको उसी सेक्शन में आ जाना है जिस सेक्शन से आपने जो है कि पेमेंट किया था। जैसे हमने जो है कि सबमिशन थ्रू डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड से किया था, तो उसी सेक्शन में आपको आ जाना है। और यहाँ पर देखिए उसी के नीचे जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा कि जनरेट रेगुलर माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जब फ्रेंड्स यहाँ से आप जनरेट रेगुलर माइग्रेशन सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से यह ओपन हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला है उसको यहाँ पर भर देना है और जो ट्रांजेक्शन नंबर आपको मिला है उसको यहाँ नीचे भर देना है। तो जब फ्रेंड्स आप दोनों भर देंगे तो उसके बाद यहाँ पर जो सबमिट का ऑप्शन है इसी पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही फ्रेंड्स आप यह दोनों ऑप्शन फिल करके सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वह डाउनलोड हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप जो है कि कानपुर यूनिवर्सिटी का किसी भी कोर्स का बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, आप जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है, मुश्किल से आपका 5 मिनट लगेगा, उतने में ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।